मिश्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया और सिंगापुर के 5 दिवसीय दौरे पर के पहले चरण में इस समय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री वहां पर एशियान और आसियान तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आतंकवाद, मानव तस्करी, समुद्री सुरक्षा, दक्षिणी चीन सागर विवाद, कारोबार संबंधित अनेक मुद्दों पर विशद चर्चा होगी। अगर आसियान देशों की बात करें तो आसियान देशों में कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम शामिल हैं। और जबकि पूर्वी एशियाई देशों में अगर बात करें तो इन देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका के देश भी इसमें शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे तथा इस शिखर सम्मेलन में अनेक दूसरे देशों के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ इस वार्तालाप के दौरान अनेक मुद्दों पर विशद चर्चा होगी। इस समय हम जुड़ रहे हैं कुआलालंपुर में मौजूद अपनी संवाददाता रमा त्यागी से। रमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर आगमन हो चुका है जैसे कि खबरें मिल रही हैं, क्या कुछ कितनी तैयारी है आसियान सम्मेलन के लिए और साथ ही साथ पूर्व एशियाई देशों के सम्मेलन के लिए? जी अश्विनी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री का विमान यहाँ पर लैंड कर चुका है, आप बिल्कुल सीधे देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन शोमन सिंह को कहूँगी कि वो दिखाएं जूम इन करके। प्रधानमंत्री का विमान यहाँ पर खड़ा है बंगाराया हवाई अड्डे पर और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर नीचे आएंगे। प्रधानमंत्री के औपचारिक स्वागत के लिए यहाँ पर मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्री दातो सुब्रमण्यम और हाई कमिश्नर तरुण त्रिमूर्ति और हायर ऑफिशियल का एक डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बस अपने विमान से यहाँ पर उतरने वाले हैं। तैयारियों के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारी है और प्रधानमंत्री के स्वागत की ज़बरदस्त तैयारी है। हवाई अड्डे से लेकर सभी रास्तों में, पूरे कुआलालंपुर में जहाँ जहाँ हम गए, हर जगह वहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत में उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, नारे लगे हुए हैं, वेलकम श्री नरेंद्र मोदी जी ये लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ अश्विनी, बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हैप्पी दिवाली भी उन्हीं पोस्टर्स के नीचे लगा हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जो प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन है उसे लोग दिवाली के जोश की तरह मना रहे हैं। तो उनके स्वागत की यहाँ पर काफ़ी तैयारी है। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम, दातो सुब्रमण्यम यहाँ पर मौजूद हैं, मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्री, और हाई कमिश्नर यहाँ के तरुण त्रिमूर्ति यहाँ पर मौजूद हैं और एक उच्चाधिकारियों का दल यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि वाइट ड्रेस में यहाँ पर मलेशियन आर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सभी की नज़रें लगी हुई हैं अभी विमान पर। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री विमानतल से नीचे उतरने वाले हैं और यहाँ पर उनका औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री होटल रेनिसा जाएंगे और वहाँ से कुछ देर बाद वो होटल शेंग्रीला जाएंगे जहाँ पर चीनी प्रधानमंत्री के साथ उनका द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है अश्विनी। और इसके बाद जो है वहाँ पर एक बिजनेस, आसियान बिजनेस समिट के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और उस समिट के संबोधन के बाद कुछ ही देर में शिंजो आबे एक लंच होस्ट कर रहे हैं, वहां पर उनसे उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद फिर आसियान समिट जो है उसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। तो आज का जो है प्रधानमंत्री का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है, शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री यहां पर आ चुके हैं विमान से, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री उतरने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर। और आसियान समिट की अगर तैयारियों की बात करें तो कल से ही यहां पर जो आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं और प्रमुख वार्ताकार हैं उनका आने का सिलसिला चालू हो गया। और मैं बताना चाहूँगी अश्विनी, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के विमान का दरवाज़ा जो है खुल चुका है और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री विमान से नीचे उतर रहे हैं
उनके विमान का दरवाज़ा बिल्कुल अभी खुला है। यहाँ पर ठीक 6:20 पर प्रधानमंत्री का विमान मलेशिया के समयानुसार यहाँ पर आ गया था और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर नीचे उतरने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है 13वां आसियान सम्मेलन और 10वां ईस्ट एशिया सम्मेलन, जहाँ पर सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक निवेश, व्यापार, सहयोग, साझेदारी से आर्थिक विकास, इसके साथ साथ बहुत से सुरक्षा संबंधी, बहुत से विकास संबंधी, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। कई मायनों में ये दोनों ही सम्मेलन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कई स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर विमान पर नीचे विमानतल पर आने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो है उच्च अधिकारियों का दल कुछ अंदर गया है और कुछ ही देर में सभी की नज़रें यहाँ पर लगी हुई हैं। सभी उत्सुकता से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर नीचे आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार का जो आसियान समिट है, भारत की जो भूमिका है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कई मायनों में इस सम्मेलन पर सबकी नज़रें लगी हैं। अश्विनी, देख सकते हैं आप विमान का दरवाज़ा खुल चुका है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में प्रधानमंत्री को आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री यहां पर नीचे आने वाले हैं और काफ़ी उनके स्वागत की, औपचारिक स्वागत की यहां पर पूरी तैयारी है। हमें मिल रही है जी। अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद साफ तौर से विदेश नीति में एक सक्रियता दिखी। लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी पूर्ववर्ती सरकारों की, वो साफ तौर से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील हुई। कितना बड़ा इसका प्रभाव दिखता है अगर आसियान को देखें या पूर्व एशियाई देशों के सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में देखें, और जब तब कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 21वीं सदी एशिया की है। बिल्कुल सही कहा अश्विनी आपने। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पहले लुक ईस्ट नीति थी उसे एक्ट ईस्ट नीति का नारा दिया, कहीं ना कहीं जो नीतियां थीं उनके क्रियान्वयन को एक प्राथमिकता दी। एक बहुत ही सकारात्मक विदेश नीति, एक बहुत ही सकारात्मक क्रियान्वयन की नीति जो है प्रधानमंत्री ने दी, और यही वजह है कि जो ये क्षेत्रीय सम्मेलन, पूर्वी साउथ ईस्ट सम्मेलन और ईस्ट एशिया सम्मेलन है, ये कई मायनों में जो अन्य रीजनल या क्षेत्रीय सम्मेलन है उनसे कई मायनों में ज़्यादा सफल कहे जाते हैं। और सभी की नज़रें अब इन अर्थव्यवस्थाओं पर लग गई हैं विश्व भर की। जिस तरह का मौजूदा वैश्विक दौर है, विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं की नज़रें इन अर्थव्यवस्थाओं पर लगी हैं, और तभी इसका परिणाम यही है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं वो भी इन समिट्स में एक वार्ताकार के रूप में या किसी और साझेदार के रूप में यहाँ पर पार्टनरशिप करती हैं, यहाँ पर आती हैं। काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है विशेषकर एक्ट ईस्ट नीति से। और अगर भारत की बात कही जाए, जिस तरह से मैं पहले आपको बता रही थी और मैं बताना चाहूँगी अश्विनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से नीचे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नीचे आ गए हैं और उनके स्वागत की पूरी यहां पर तैयारियां मलेशिया के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दातो सुब्रमण्यम और हाई कमिश्नर त्रिमूर्ति, तरुण त्रिमूर्ति, यहां पर उनका औपचारिक स्वागत करते हुए आपको सीधी तस्वीरें अश्विनी, यहां पर प्रधानमंत्री आ चुके हैं और प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत, प्रधानमंत्री यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए आप देख पा रहे होंगे। उच्चाधिकारियों का एक दल भी यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री के साथ और प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत, यहाँ पर सीधी तस्वीरें, और देख सकते हैं कि तो सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका औपचारिक स्वागत, और प्रधानमंत्री अब जाएंगे कुछ ही देर में होटल रेनेसा, वहां से उसके बाद जाएंगे होटल ट्रेंगलीला जहां पर उनकी मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी चीनी प्रधानमंत्री के साथ। और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चाधिकारियों के दल के साथ, मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्री के साथ प्रधानमंत्री जाते हुए।
उनके साथ उच्चाधिकारियों का एक दल भी उनके साथ है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की कुआलालंपुर आगमन की। ये सीधी तस्वीरें मिल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा के पहले चरण में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका विमानतल पर भव्य स्वागत किया गया। खुद मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्री दातो सुब्रमण्यम और वहां पर मौजूद थे, वहां के सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर मलेशिया सरकार की तरफ से, और वहाँ पर उनका सम्मान किया गया वहाँ पर। अब इसके बाद आज दिन भर के जो अन्य कार्यक्रम है, बेहद व्यस्त कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री अगले दो दिनों में, आज और कल, वो मलेशिया में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जैसा कि हमारी संवाददाता रमा त्यागी बता रही थी कि आज वहाँ पर चीन के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है, और अन्य दूसरे जो इकोनॉमिक फोरम हैं उनसे प्रधानमंत्री उन सब मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। रमा, मैं आपसे जानना चाह रहा था, प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट किया। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं 21वीं सदी एशिया की है। आप बता रही थी कि बेहद सक्रिय तरीके से भारतीय राजनयिक क्षेत्रों में और विदेश नीति में भारत के परिवर्तन हुआ है। कितना वहाँ के लोगों में उत्साह दिखता है अपने प्रिय प्रधानमंत्री को वहाँ पर पाकर, जो भारतीय मूल के लोग हैं, जब पाएंगे? बहुत जल्दी ज़्यादा उत्साह एक तरीके से लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार थे। और जिस तरह की प्रतीक्षा कर रहे थे जितना प्रधानमंत्री आए, जहाँ पर ये कम्युनिटी रिसेप्शन है होगा, वहाँ पर बहुत संख्या में लोग वहाँ पर भेजने वाले हैं। ये जो रिसेप्शन है वहाँ पर जो मेरे लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन जिसे जुड़े हुए हैं, वो लोग वहाँ पर जाने के लिए उनके नीचे तो ये थी हमारी संवाददाता रमा त्यागी कुआलालंपुर से, जो कि बता रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहाँ की सीधी तस्वीरों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री विमानतल पर उतर गए हैं, और साथ ही साथ उनका बेहद व्यस्त कार्यक्रम है आज और कल मलेशिया के इस दौरे पर। और 5 दिन के इस दौरे में वो मलेशिया और सिंगापुर जाएंगे। मलेशिया में आसियान भारत सम्मेलन और साथ ही साथ पूर्व एशियाई देशों के शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अनेक विशेष मुद्दों पर चर्चा होगी। आतंकवाद का मुद्दा होगा, आपसी व्यापार का मुद्दा होगा, समुद्री सुरक्षा का मुद्दा होगा, मानव तस्करी का मुद्दा होगा, और साथ ही साथ वहां पर मौजूद अन्य देशों के शिखर नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से अनेक मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत होगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान पहले चरण में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुँच चुके हैं। अगर देखें तो प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो ये पूरा आसियान सम्मेलन, पेरिस में जो हमला हुआ है उसकी छाया में कहीं ना कहीं ये हो रहा है। तो ऐसे में एक निश्चित तौर से जो राजनयिक हलकों से बात आती है वो ये आती है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर जिस तरीके से बेहद मुखर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद में भेद करना पूरी दुनिया बंद करे, आतंकवाद के खिलाफ एक साझा रणनीति हो, क्योंकि आतंकवाद मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती है। इन सब मुद्दों को बेहद ज़ोरदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत सम्मेलन और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशियाई सम्मेलन में कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन देशों के साथ अगर देखें तो व्यापारिक संबंध बेहद मजबूत हैं, सांस्कृतिक संबंध बेहद पुराने हैं, ऐतिहासिक संबंध बेहद पुराने हैं। तो निश्चित तौर से बेहद ऐतिहासिक यात्रा होगी, बेहद ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हो सकता है, और साथ ही साथ एशियाई देशों में भारत की आर्थिक शक्ति को देखते हुए, भारत की राजनीतिक शक्ति को देखते हुए, भारत की भौगोलिक और अन्य क्षमताओं को देखते हुए, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 21वीं शताब्दी
एशिया की होगी, तो ये उम्मीद करेंगे उस एशिया में भारत का एक सशक्त किरदार भी होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया पहुंच चुके हैं, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंच चुके हैं, जहां पर वो भारत आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे।